संबंध में किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या एजेंडा है आज आपका? दरअसल ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसका मकसद ये है, अभी चंद रोज पहले जो हरिद्वार में एक प्रोग्राम हुआ था उसी के खिलाफ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि 22-23 जनवरी में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि एक संसद यहाँ भी होने वाली है, और मैं उस संसद को धर्म संसद नहीं कहूँगा, मैं उस संसद को आतंक की संसद कहूँगा, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता, हर धर्म पीस की बात करता है, और ये कुछ ख़ास लोग एक किसी मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मज़हब का सहारा लेके दूसरे मज़हब के मास किलिंग की बात कर रहे हैं, जिनोसाइड की बात कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम निंदा करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कराएंगे, और इसी एवज़ में हम कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, और हमारी उनसे यही डिमांड है कि जो भी लोग, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग इस मुल्क के पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आतंक को फैला रहे हैं, आतंक की संसद को कर रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन पर UAPA लगना चाहिए, उन पर वो केसेस लगने चाहिए जो मासूमों पर CNRC के टाइम पर लगे हैं। अगर कोई भी मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी अगर एक पोस्ट भी कर देता है तो उसको 24 घंटे में उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, आज वो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, कोई उनको अरेस्ट करने वाला नहीं। और हम मेमोरेंडम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या CM ऑफिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, हम उनसे उम्मीद बनाते तब बनाते जब वो उनकी अरेस्टिंग करते। आज इस तरह के लोग जो आतंक के नाम पर, आतंक को फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मेरी हिंदू समाज के लोगों से दरख्वास्त है कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए जो हिंदू मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, जो मज़हब की आड़ में किसी को मारने की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर एक मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, उस मज़हब की आड़ में दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। तो हम कल 12 बजे DM ऑफिस जाकर DM साहिबा को ज्ञापन देंगे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हैं, और मेरी ये अपील है मीडिया के लोगों से ख़ास तौर पे कि लोकतंत्र बनाए रखने के लिए आपकी एक अहम जिम्मेदारी है, अगर हक वाजे नहीं होगा या इस मुल्क में कोई दरार आती है तो उसके ज़िम्मेदार मीडिया के लोग होंगे, क्योंकि हमेशा से डेमोक्रेसी का पिलर रहा है मीडिया। तो आप सभी लोगों से मेरी, सलमान जी, अगर धर्म संसद की बात की जाए तो ना तो अभी तक हिंदू महासभा के किसी भी पदाधिकारी के पास में ना तो कोई परमिशन है और ना कुछ है, तो ये ऐसे में कैसे ये लोग कर पाएंगे? देखिए, बकौल इन लोगों के, इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और मीडिया ही के ज़रिए ये बात सामने आई है कि ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, उसके कार्ड बट चुके हैं और 22-23 तारीख को ये उसको आयोजन करेंगे, तो ये चीज़ें मीडिया के ज़रिए ही हमारे सामने आई हैं। और देखिए, हरिद्वार में भी इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी, और हरिद्वार में जो इन्होंने किया है, जो बातें इन्होंने कही हैं, आप खुद बताइए कि अगर किसी भी मज़हब का आदमी दूसरे मज़हब के मानने वालों को जेनोसाइड की बात करता है तो ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? क्या ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए? क्या उनकी अरेस्टिंग होनी ज़रूरी नहीं है? तो ये सवाल मेरा सब लोगों से है, मीडिया के लोगों से, अवाम के लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकारों से। ये बात हमारे मुल्क की ये पहचान है कि माइनॉरिटीज़ को लेके चलने वाली, और किसी भी मुल्क की पहचान ये रहेगी हमेशा कि अगर माइनॉरिटी को आप छोड़ते हैं तो आप विकास के पथ पे नहीं चल सकते आगे। अगर धर्म संसद मान लीजिए बिना परमिशन की होती है, परमिशन नहीं लेते उनके पदाधिकारी, तो आपका संगठन क्या करेगा इसमें? हम उसी के पैरेलल न्याय संसद चलाएंगे, और जहाँ जहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर, जहाँ जहाँ ये धर्म संसद करेंगे वहाँ वहाँ हम न्याय संसद करेंगे, और सरकार को ये हक बिल्कुल भी नहीं होगा जब वो ऐसे आतंकी संगठन, ऐसे आतंकी संसद को नहीं रोक पा रहे तो मेरी न्याय संसद को रोके।